महिलाएं हैं वो अपने पति से विचार करके वोट दे, तो क्या केजरीवाल जी को लगता है महिलाओं में दिमाग नहीं है, वो अपने आप से वोट नहीं दे सकती? वो हो सके अपनी पत्नी से पूछ के आए। मैं आप अभी अभी थोड़ा पीछे हो, दो तीन महिलाएं तो। केजरीवाल साहब का अभी रिसेंटली एक बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिलाएं अपने पति से सलाह लिए बिना वोट ना डालें। उन्होंने सलाह दी है कि महिलाएं जाएं और अपने पति से विचार करके वोट डालें। इसी बात पर हम यहां हमारे साथ दो तीन महिलाएं मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको क्या लगता है कि मतलब वोट डालने के लिए ज़रूरी है कि अपने पति की सलाह ली जाए? कि आज की नारी इस काबिल भी नहीं है कि खुद से वोट डाल सके? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आज की नारी इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से वोट डाल सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ये सोच बहुत गलत है। आज सारी जो नारियां हैं वो अपनी मर्जी से वोट डाल सकती हैं, तो मैंने भी अपनी मर्जी से ही वोट डाला है, ना कि अपने पति से पूछ के। अच्छा, अम्मा जी यहाँ हमारे साथ एक मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है कि आप बहुत बड़ी हैं तो क्या आपको किसी की सलाह की, किसी के विचार की ज़रूरत है या आप खुद ही वोट डाल सकती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपनी इच्छा के अनुसार है, जैसा भी आप चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी मर्जी, हम चाहे कुछ भी करें। केजरीवाल जी का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कही है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से पूछकर, अपने पति से पूछकर विचार कर कर वोट डालें, तो ऐसे में आपकी इस पर आपकी क्या राय है? ये तो हमारा अपना अधिकार है कि हम किसी को भी वोट डालें। हस्बैंड्स तो कुछ भी नहीं कहेंगे इसके लिए। लगता है कि केजरीवाल जी को दिल्ली की महिलाओं पर, 21वीं सदी की महिलाओं पर भरोसा नहीं है कि वे अपने आप वोट डाल सकती हैं। एक तरफ वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए बसें फ्री करने के वादे करते हैं और दूसरी तरफ वे महिलाओं को इस काबिल भी नहीं समझते हैं कि वो खुद से वोट भी डाल सके।